हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम जा रहे हैं, आप सबको पता होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कवाली नाइट पे और दानिश पहले ही चले गए हैं। मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ, तो आगे का सीन, आगे की अपडेट मेरे ब्लॉग में मिलेंगी, तो आप लोग देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। हम वहाँ जाकर इन्जॉय करेंगे, आप मेरा ब्लॉग देख कर इन्जॉय करें। तो चलें, 10:30 बजे अम्मी के घर लाइट आ गई है, तो मैं उस हिसाब से जा रही हूँ कि भाई लाइट होनी चाहिए वहाँ पर। तो खैर चलें, वहाँ जाकर मिलते हैं कि क्या सीन हो रहा है वहाँ पर, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, स्टार्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ भी। और हाँ, एक और चीज़ ये थी कि गुलगुले जो बनते हैं हमारे यहाँ, जो रस्म होती है उस चीज़ की, गुलगुले बनाने की, वो वीडियो मैं अभी आप लोगों को शेयर करूँगी, वो भी देखिएगा। इसके बाद वो क्लिप लगेगी, तो वो देखते हैं तब तक आप इंजॉय करें। उसके बाद हम कवाली नाइट पर मिलते हैं। जी हम लोग पहुंच गए हैं और तकरीबन चीज़ें शुरू हो चुकी हैं मेरे ख्याल से। म्यूज़िक बज रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? एज यूजुअली मैं खास तौर पे देर से आई हूँ, आज की लाइट चल जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आते हुए लेते भाई थे, कोई और दिलाने वाला नहीं था ना, इसलिए मैंने खुद बोला ले। चले जी, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। मैविश सॉरी। हाँ बोल, कपड़े दिखाने। चले जी, सबने ब्लैक पहना है, मैंने भी ब्लैक पहना है। शुरू से शुरू करना, अब तो यही डालूंगी। बेटा तेरे संस्कार पड़ेंगे शुरू से। महवेश ने बोला दोबारा से शुरू करो, लेकिन मैं वो भी ऐड कर दी है, मैंने वीडियो वो भी देख लिया और ये भी देख लिया। हेलो, हेलो दुआ, हेलो हिरम, आप ही आप, ये कौन है? अच्छा ये भी है, आप ही है। निकालने का मना किया था। चलें जी, खैर हम पहुंच गए और हाँ हम पहुंच चुके हैं। बस कितनी बार बोलूं, बहुत पहुंच चुके हैं भाई। ये तो इन लोगों के साथ, ये बदतमीजों के साथ मैं मिलती हूँ ना, पागल हो जाती हूँ, जबान बैग करती मेरी। तो चलें आगे का शुगर मेला दिखाते हैं क्या हो रहा है, और ऊपर भी चलते हैं, ऊपर का भी सेटअप दिखाते हैं और बाकी उसे ही मिलवाते हैं। चलें जी, यहाँ सब आए हैं। सुभाना भाभी हैं यहाँ, नौशीन है, दुल्हन साहिबा, सीमांटी। सीमांटी आपको क्या होता है, सही है? ये अवरार की बेगम है, मैं उसकी सास है, ये हमारी भाभी है। भाभी को शिकायत है, उन्हें भूल जाती है, सास हमारी भाभी है। और कोई नहीं है, और किसको किसको बुलाया? अस्सलाम वालेकुम, चलें जी आपको ऊपर का सेटअप दिखाते हैं कैसा है। और बहुत ही अच्छा माशाल्लाह सेटअप हो चुका है अर्जेंट में, तो चलें वो देखें। ये देखें भाई क्या लिखा हुआ है भाई, कव्वाली नाइट। ये है सब कव्वाली नाइट का सेटअप और यहाँ हम सब बैठेंगे। ये भी अच्छी खासी बड़ी जगह है, ये लाइट्स हैं।
उमर चलें जी, तकरीबन लोग आ रहे हैं ऊपर। स्टार्ट होने वाला है कव्वाली नाइट हमारी, तो आगे अब मेरा शायद हो सकता है वॉइस ओवर ही हो, क्योंकि कव्वाली होगी तो जाहिर सी बात है म्यूज़िक होगा। तो खैर चलें, जब ये स्टार्ट होता है तो फिर दिखाती हूँ। अभी थोड़े ही लोग, वैसे खैर घर के ही लोग थे यहाँ पर, बच्चे बच्चे सब बैठ गए हैं, कुछ लोग नीचे बैठे हैं, अभी आएंगे अभी ऊपर, मम्मा वहाँ खड़े हैं, बाकी बच्चे यहाँ हैं, कामरान भाई, दानिश, आफरीन, विशाल भाभी हैं, दुआ है, आनी वहाँ बैठी हैं, सीमांती मेरे बराबर बैठी हैं, भाई आ गया। तो चलें स्टार्ट होता है तो फिर मिलते हैं। आगे बैठ हमारे साथ, लोगों को पीछे करो ना, जहाँ बैठेंगे वहाँ बैठेंगे। देख रहा तुम कुर्सी पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ, चेयर मंगा, चेयर मंगा, चेयर। चलें जी, यहाँ एक रवि आ गई है। शेर पे आप लोगों की लैप और शोर थोड़ा सा होने लाजमी है, क्योंकि हम ज्यादातर जो इवेंट करते हैं वो धूलो धूले वाले की तरफ से होता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि लड़की वाले होके एंजॉयमेंट करते हैं, इवेंट सजाते हैं कव्वाली नाइट का। तो ये शेर पेश कर रहा हूँ, और ये शेर जो है ये थोड़ा अदब का शेर है। तो ये वाली साहब हैं जी, थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा कि घर में रहता है मान बेटी से, और घर की होती है शान बेटी से, कि जरूरी तो नहीं नाम रोशन हो बेटों से, कि जरूरी तो नहीं नाम रोशन हो बेटों से, मेरे नबी का खानदान चला बेटी से। तो सबसे पहले हमसे बारे चला आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। आगे बैठो, इसको बोल आगे बैठ। Allah ho 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 Allah
Oh,
को थोड़ी सी देर के लिए हम एंड करते हैं क्योंकि ये व्लॉग और वीडियो बहुत लंबी हो जानी है अगर मैं इसको और कंटिन्यू करती हूँ तो। अभी ख़ुद ही ये ऑलमोस्ट 18 मिनट्स की हो चुकी है, तो यहाँ हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट टू। उसमें बहुत ज़्यादा फ़न है, बहुत इमोशंस हैं सबके और बहुत ज़्यादा फ़न है, तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।